हेलो दोस्तों, एट की क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन में जो है 1218 कैंडिडेट का जो है एडमिट कार्ड यानी बीएसएससी मेंस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और सारे छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सारी बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, इसमें बता दूं, इस पर जो है उन छात्रों को बहुत खुशी मिलेगी जो छात्र पहले से जो है मेंस और टाइपिंग दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दुखी उस स्टूडेंट के लिए हो जाएगा जिनका जो है ये एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा। तो बहुत सारे छात्रों के साथ जो है ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आपने सबसे पहले ये देखा कि जो है लगभग 1218 कैंडिडेट में जो है सभी छात्र फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। इसमें से लगभग जो है दोस्तों 400 से 500 छात्र ही जो है फॉर्म फिलअप कर पाए हैं। तो इससे प्रक्रिया भी क्या होगा कि उसका प्रक्रियाएं थोड़ी जल्दी हो जाएगी और नवंबर तक जो है काउंसलिंग होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, क्या कारण आप देख सकते हैं कि यहां से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक स्टूडेंट है राजेश प्रसाद, जिन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, क्या करें। और देखिए दोस्तों, एक और जो है सनीकांत जी, इनका देखिए क्या जवाब है। सर, जब हम हमारे फॉर्म मतलब हमने जब फॉर्म भरा सिर्फ फी जमा लिया और DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है डाला गया, क्या उसके एज कॉलम में नहीं खुला। यहां से आप देखेंगे दोस्तों, मतलब इनका जो कहना है स्पष्ट, इन्होंने जो यहाँ लिखा लास्ट में जब देखेंगे कि आज मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब इनका ये कहना है दोस्तों, इन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर दी या फिर ये आयोग की त्रुटि है या क्या त्रुटि है। बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसी त्रुटियां आई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार जो है बहुत सारे छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। अब उधर जो है फॉर्म वाले जो है बहुत सारे छात्रों का नहीं फिलअप हुआ। तो जो भी छात्र होंगे, कम ही छात्र हैं और कम छात्र का जो है प्रक्रियाएं जल्दी हो जाएगी। जल्दी जब प्रक्रिया होगी तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो है नवंबर तक काउंसलिंग होने की पूरी संभावना है। तो यही था खबर दोस्तों कि बहुत सारे छात्रों के साथ जो है एक तरह से कह सकते हैं जो है धोखा हो रहा है। जो छात्र 1218 कैंडिडेट है उनका अगर एडमिट नहीं निकल रहा तो उन्हें जो है इस लिस्ट में दिया गया है, तो उनके साथ तो धोखा आ रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है दोस्तों कि जो है जितने कम छात्र होंगे कमीशन की संख्या उतनी कम होगी, नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।